नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। नववर्ष पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लेकर दलित बस्ती में पहुंचे दिव्यांग सफा नेता पंडित समरजीत का ऊसाकोरी ने बाबा साहब के चित्र पर फूलों की वर्षा करके किया भव्य स्वागत। विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के ग्राम सभा वासुदेवपुर दलित बस्ती में गरीब असहाय महिलाओं में ठंड से बचाव के लिए वितरित किया गया कंबल। महिलाओं को संबोधित करते हुए पंडित समरजीत ने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आदर्शों पर चल के हमारे सपा मुखिया अखिलेश भैया जी सदैव सबकी भलाई के लिए तथा उनके हक हुकूक के लिए संघर्ष करने का काम करते हैं। आज भाजपा सरकार में बाबा साहब का संविधान खतरे में है। गरीब का हक छीनने का काम कर रही है सरकार उनके आने वाली पीढ़ियों का अधिकार छीनना चाहती है। आज हमारे दलित भैया को तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। उनकी आवाज़ को सरकार तथा प्रशासन के लोग दबाने का काम करते हैं। जब जब दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने सदैव आवाज़ तथा संघर्ष करके उनकी मदद करने का काम किया है। आइए आज हम सब मिलकर शपथ लेते हैं कि इस संविधान विरोधी भाजपा सरकार को सन 2022 चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और समाजवादी विचारधारा के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों का विकास करेंगे। तमाम दलित महिलाएं भी मौजूद रही। अमित कुमार के साथ रिपोर्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, इंडिया समाचार, अयोध्या। आज हम अयोध्या जनपद के दलित बस्ती में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र को लेकर पहुंचे। ऊसाकोरी ने बाबा जी के चित्र पर पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। और आज हम बताना चाहते हैं कि तमाम तरीके से हमारे दलित भाइयों को परेशान किया जा रहा है। संविधान खत्म करने की काम कर रही है सरकार। तमाम तरीके से दलितों भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और जहां भी हम यह कार्यक्रम अनवरत हमारा अयोध्या जनपद में तमाम ग्राम सभाओं में चल रहा है दलित भाइयों के साथ, और जहाँ जहाँ दलितों के साथ अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है, समाजवादी पार्टी सदैव उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने का काम कर रही है। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी सदैव डॉक्टर अंबेडकर जी के आदर्शों पर चल के दलितों के साथ हुए अत्याचार उत्पीड़न तथा उनकी मदद के लिए सदैव आगे आने का काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव 2022 में हमारे दलित भाई समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिए हैं, जुड़ गए हैं, उस तरीके से 2022 के चुनाव में यह भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश से क्या देश से उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे और अपने संविधान को बचाने का काम करेंगे। दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत, अयोध्या, फैजाबाद।